Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. जन्माष्टमी के आयोजन के बाद घर लौट रही दो युवतियों के शव एक बाग के पेड़ पर लटकने मिलने की फरुखाबाद की घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि फरुखाबाद की घटना संवेदनशील है, सरकार घटना की तत्काल निष्पक्ष जांच कराए और हत्या के संदिग्ध मामले में आख्या प्रस्तुत करे। ऐसी घटनाओं से समाज में एक भयावह वातावरण बनता है। राजनीति से ऊपर उठकर महिला सुरक्षा को एक गंभीर मुद्दे के रूप में उठाने का अब समय आ गया है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख ने बयान जारी करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में महिलाओं से जुड़े अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उनका कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस का दावा जीरो हो गया है। प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। महिला अपराध के मामले में प्रदेश की स्थिति भयावह है। हर दिन कहीं ना कहीं सामूहिक दुराचार हो रहा है तो कहीं महिलाओं और बच्चियों की हत्या हो रही है। अपराधियों में पुलिस का कोई डर नहीं है। समाजवादी सरकार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 डायल सेवा शुरू की गई थी। इस सरकार में वुमेन पावर हेल्पलाइन सेवा को कमजोर कर दिया गया है।